गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का कुछ पार्ट देखा था और उसमें हमने देखा था कि कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, पॉइंट्स मतलब क्या होता है, रेज मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है और लाइन मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इसके आगे हम इसके एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है कोलिनियर पॉइंट्स। आपको एक बात हमने पहले बताई थी कि एक पॉइंट में से कितने लाइंस पास होते हैं, कितने लाइंस पास होते हैं एक पॉइंट में से। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इससे ज़्यादा भी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लाइंस एक पॉइंट में से पास किए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम इससे भी ज़्यादा लाइंस पास कर सकते हैं। ये हुआ, क्या है, ये लाइंस है एक पॉइंट में से पास होने, लेकिन दो पॉइंट में से कितने लाइन पास होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकाले, तो इसमें से हम कितने लाइंस पास कर सकते हैं, सिर्फ एक। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल पॉइंट लिया, तो उसमें हम एक से ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स अगर लेंगे, तो उसमें से मैं सिंगल लाइन पास कर सकती हूँ। अगर इससे ज़्यादा पॉइंट्स लिए, तो हमने एक लाइन पे हम कितने 3 से ज़्यादा या फिर कितने भी पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक लाइन पर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या है ये डिफाइन करना है। व्हाट इज़ मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स, हमने देखा था कल, जो लाइन होती है उसमें 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट लाइज करते हैं, तो वो पॉइंट्स बन जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में एक पॉइंट लिया है, सेकंड में 2 पॉइंट्स लिए हैं और थर्ड में 3 से ज़्यादा लिए हैं। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट मतलब कौन सी फिगर हमको मैच करनी है, थर्ड वाली। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, थर्ड एग्जांपल में एक लाइन में 4 पॉइंट प्रेजेंट है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, कोलिनियर पॉइंट्स का। डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट, द 3 और मोर पॉइंट्स लाइज इन अ वन लाइन, द 3 और मोर पॉइंट्स लाइज इन अ वन लाइन, तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर दिखाई है, इस फिगर में ऐसी कौन सी लाइंस है जिसमें 3 से ज़्यादा या फिर 3 लाइंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो। जैसे मैंने ये लाइन अगर कंसीडर की, कौन सी लाइन है, एम्प्टी, व्हाट इज़ द लाइन, एम और टी, और उसका उसके सेंटर में है ओ, यहाँ पे 3 पॉइंट प्रेजेंट है, तो हम इसको कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है द मोर देन 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स लाइज इन अ वन लाइन और अ सेम लाइन, तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो इसका सेट कैसे बनेगा, पॉइंट यम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। हाउ आई राइट, पॉइंट यम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी, तीनों भी पॉइंट्स हमने लिख लिए, पॉइंट यम, पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ये हुई एक लाइन, लेकिन इसमें और एक लाइन प्रेजेंट है, वो है आर एन, उस पर भी 3 पॉइंट प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आर ओ एंड दिस इज अन, दिस इज़ द सेकेंड लाइन, उस पर भी 3 पॉइंट प्रेजेंट है, तो इसको भी हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैं लिखूंगी पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट यन, पॉइंट यन, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, एग्जाम्पल ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। इजिली लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा लाइन्स है क्या जिसमें 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स प्रेजेंट है, तो नहीं, ओनली 2 लाइन्स आर प्रेजेंट दैट कंटेन मोर देन 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स। ओके, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स।
Next we will see the ray. What is the definition of ray? In the previous video I said that it has one ending point and it goes continuously in one direction. जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है A और B. A ये starting point है और ये ending point है और वो move हो रही है continuous in B के direction में. ठीक है, तो ये ray की definition है. हमने पहले video में देखा था, वैसे हम example में अब देख रहे हैं. तो यहाँ पे कौन से ऐसे rays present है जिसको starting point है और वो move हो रहा है continuously one direction में. तो हम यहाँ से start करेंगे. सबसे पहला रे है OP, सेकंड है ON, थर्ड है OT, फोर्थ OS, उसके बाद OR एंड OM. दीज आर द रेस आर प्रेजेंट इन द फिगर. नाउ वी राइट, कैसे लिखेंगे हम? जैसे मैंने बताया रे OP, OP से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रेस ON, रे ON, उसके बाद रे OT, OT, उसके बाद रे OS, नेक्स्ट रे OR एंड लास्ट रे इज OM. दीज आर द रेज विच कंटेन एंडिंग पॉइंट एंड गोज कंटिन्यूअसली इन अनदर डायरेक्शन. ओके, ये है रे. कितने प्रेजेंट है, कितने फिगर, कितने हैं यहाँ पे? Only 6 ray in the given diagram. Okay, next देखेंगे हम line segment. इस figure में कितने line segment है? Line segment के definition क्या है? The line segment which consists of two end points. जिसको दो end points हो उसी को हम line segment बोलेंगे. Okay, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर MT consider करें तो इसको दो end point है और second R, N. ये दो ऐसी लाइन सेगमेंट है जो बड़ी है और बाकी छोटी. तो सबसे पहले हम जो बड़ी है वो लिखेंगे. सबसे पहले लाइन सेगमेंट को हम लिखेंगे सेगमेंट MT. इस तरह से हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं, सेगमेंट MT, सेगमेंट RN. These are the two longest line segment present in a figure. और उसके बाद हम छोटे वाले लिखेंगे, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ आर एंड लास्ट सेगमेंट इज सेगमेंट ओ एम. इतने सेगमेंट लिख लिए हमने, दो बड़े वाले सेगमेंट हैं और बाकी के छोटे वाले. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज मीन बाय लाइन? लाइन की डेफिनेशन, द लाइन विच कंसिस्ट ऑफ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट. उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता और एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता. तो यहाँ पे कितने लाइन्स हैं हमारे पास? दो लाइन्स हैं. ओके, हम लिखेंगे लाइन MT एंड लाइन RN. ये दो लाइन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है. इससे ज़्यादा लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? नो. दूसरे लाइन्स को अगर इसको कंसिडर करेंगे OP को, तो इसको दूसरे साइड में एरो नहीं है, ये कंटिन्यूसली एक्सटेंड नहीं हो रही है. और इसको भी OS को अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे S से कंटिन्यूअस है लेकिन O से कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम उसको लाइन नहीं बोल सकते. देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइंस? यहाँ पे एक गिवन लाइन है, उसमें फोर पॉइंट्स प्रेजेंट है और उसको कैसे लिखना है ये मैं आपको भी बताने वाली हूँ. कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे, A को कंसिडर करेंगे और लाइन के नाम लिखेंगे. अगर मैं A को कंसिडर करती हूँ तो हमारे नाम कैसे बनेंगे? लाइन AB, लाइन AB, देन AC, देन AD, लाइन AC एंड लाइन AD. अगर A को स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा
तो हमारे तीन लाइंस बनते हैं। अभी हम B से स्टार्ट करेंगे। B से स्टार्ट किया तो लाइन BC एंड सेकंड लाइन BD, देन हमारा लास्ट पॉइंट बचा C। C से स्टार्ट किया तो एक ही लाइन बचती है, लाइन CD। दीज आर द नेम्स ऑफ लाइन। ओके, हमने सबसे पहले एग्जांपल में कोलिनियर पॉइंट देखे, उसके बाद रे देखा, और उसके बाद लाइन सेगमेंट, उसके बाद लाइन। ओके, ये चार पॉइंट देखे, और सेकंड क्वेश्चन में हमने डिफरेंट नेम्स लिखे लाइन के। इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट डाउन कर लो, इसके आगे का क्वेश्चन हम बाद में लिखेंगे। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये तीनों भी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, पैरेलल लाइंस मतलब क्या, कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब क्या। तो सबसे पहले हम लेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मैंने आपको एग्जांपल बताया था हमारे बुक का, दिस इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बुक की लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती तो हम उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो हम इस फिगर में ऑब्जर्व करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दिख रही है फिगर में, तो इसमें कौन सी पैरेलल लाइंस है ये हमको फाइंड आउट करना है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, क्रॉस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले ए बी एंड सी। ए बी सी में अगर मैं ए लाइंस कंसीडर करूँगी तो उस लाइन की पैरेलल लाइन कौन सी हुई, पी। ठीक है, बाकी सबको कंसीडर मत करो। यहाँ पे मैंने जैसे ये लाइन है ए, और दूसरी लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके बताऊंगी आपको पी। ठीक है, दोनों भी लाइंस हमको दिख रही है, बाकी सबको कंसीडर ना करते हुए अगर हमने ये दो लाइंस कंसीडर किए तो हम इसको आगे भी एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और हमको ऐसी ही लाइन चाहिए जो कभी भी इंटरसेक्ट ना हो। ठीक है, तो लाइन ए इज पैरेलल विद द लाइन पी। कैसे लिखेंगे हम, लाइन ए इज पैरेलल विद द लाइन पी, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, दिस इज द सिंबल। ये सिंबल है पैरेलल लाइन का, दो लाइंस उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला हुआ। दूसरा एग्जांपल, दूसरा आपको ऐसे कौन से दिख रहे हैं जो पैरेलल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी एम एंड क्यू, ये तीनों भी लाइंस ऐसी हैं जो आगे जाके, आगे यहाँ पे जाके कभी भी एक्सटेंड हो तो भी वो क्रॉस ना हो, तभी हम उसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले कौन सी लाइन, सी इज पैरेलल विद द लाइन एम एंड यम इज पैरेलल विद द लाइन क्यू, ऐसे तीन लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या हुआ, जब हमने एक पॉइंट्स लिया उसमें से बहुत सारे लाइंस अगर पास होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ओके, तो जहाँ पे ये फिगर है यहाँ पे थ्री लाइंस है और ये फोर्थ लाइन। हमारी डेफिनेशन क्या है, मोर देन थ्री लाइंस कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्करेंट लाइन। तो इस फिगर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे दिख रही है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ओके, तो ये सभी कौन सी लाइन है, कॉन्करेंट लाइन। इसको हम लिखेंगे लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, दिस इज अ कॉन्करेंट लाइन। और यहाँ पे मैं ए नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे ए पॉइंट है, तो हम लाइन लिखेंगे ए सी, क्योंकि एक पॉइंट में दो लाइन, एक लाइन में दो पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको लाइन लिख सकते हैं, लाइन ए सी। हमको लाइन
ए नहीं लिखना है, लाइन ए सी लिखना है, लाइन ए सी। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ कॉन्करेंट लाइन्स। ओके, इस फिगर में कॉन्करेंट लाइन कौन से हुए, फिर लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए सी। ओके, एंड सेकंड सेकंड है ये तीन लाइन्स। ये तीनों भी लाइंस कॉन्करेंट हुए क्योंकि वो भी एक पॉइंट में से पास हो रहे हैं। कौन सी लाइन पी, लाइन क्यू एंड दिस इज लाइन सी डी, हम उसको क्या बोलेंगे, लाइन सी डी बोल सकते हैं। सेकंड लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन सी डी। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है कॉन्करेंट लाइन के। अभी हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के बारे में बात करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब क्या, जो तीन चार लाइंस जो है वो एक पॉइंट में से अगर पास हो रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में मैंने कॉन्करेंट लाइन दिखा है, उसी तरह से उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमको मिल रहा है, कौन सा, ए। ए इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्योंकि ये जितने भी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है उतने सिंगल पॉइंट में से पास हो रही है और वो पॉइंट है ए, इसलिए इन सभी लाइंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हुआ ए। पॉइंट ए इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और सेकंड जो लाइंस मैंने बताई है आपको उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हुआ डी, पॉइंट डी। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। इसके बाद अगर हमको मैच द पेयर्स है और उसमें से हमको डायग्राम में से किसी भी चीज़ को अगर फाइंड आउट करना रहा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइन है, आपको हर बार याद रखना है कि मैच द पेयर में अगर आपको लाइंस की डायग्राम याद रखनी है तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि लाइन्स को हमेशा एरो मार्क होते हैं, वो दोनों तरह से एक्सटेंड होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अगर हमको लाइन सेगमेंट की डायग्राम याद रखनी है तो लाइन सेगमेंट जिसको दो एंड पॉइंट्स हैं, जिसको दो एंड पॉइंट्स हैं वो हुई लाइन सेगमेंट। उसके बाद थ्री, अगर रे की डायग्राम हमको ध्यान में रखनी है तो रे को क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट और वो कंटिन्यूअसली मूव होता है दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे भी हम पॉइंट्स बना सकते हैं ए बी। ठीक है, ए एंडिंग पॉइंट है और बी के डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है। लास्ट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। दिस इज अवर टॉपिक्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। ठीक है, इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, कौन सा लाइन, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लो, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।